एक धारणा है कि हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं। अब ये सच है या झूठ ये हमें नहीं पता, जबकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमने जो सुना हो सकता है वो झूठ हो, लेकिन हम जिसे देख रहे हो, जो आंखों से दिख रहा हो और वो भी झूठ लगने लगे, तब तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और ऐसा ही हुआ जमशेदपुर में, जब सबका दिल दहल उठा। रांची रांची 11:30 बजे का लास्ट बस है, रांची जाएंगे ना? आइए, हाँ हाँ, चलिए चलिए, चलो भाई, लास्ट बस है भाई, चलो चलो जल्दी, 11:30 की लास्ट बस है। चलिए मैडम, जल्दी बैठिए, 23 नंबर सीट पर बैठिएगा। मनसा, मनसा, लेकिन वो यहां कैसे हो सकती है? उसे तो बस स्टॉप में होना चाहिए। हेलो मनसा, यहां दिख रही है, तुम उसको ले जाके बस में नहीं चढ़ाई थी क्या? क्या बोल रहे हो, मनसा हमारे सामने हमसे टाटा बाय बाय कर रही है। मनसा जब वहां है तो ये लड़की कौन है? ए लड़की रुक, मनसा, 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 मनसा प्रधान जी के घर घुस रही है। मनसा, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसी आवाज? कैसी आवाज है ये? चलो माँ, माँ, पापा, पापा, पिताजी, किसने किया ये? किसने किया ये? भगवान किया। मनसा, पीछे लो, पीछे लो, पुलिस को बुलाना पड़ेगा, रुको फोन करता हूं।
हेलो पुलिस स्टेशन। इतना बड़ा कांड करके भागी नहीं, उठाओ इसको गाड़ी में बिठाओ। ए चल उठ, चल उठ, उठ जल्दी चल। बॉडी सब अब तक यहीं पड़ा हुआ है, निमोजनों में क्यों नहीं पहुंचवाया? सर आपने बोला मंशा मिल गई है, मुजरिमों की शिनाख्त के लिए आ रहे हैं इसलिए। ठीक है बॉडी तुरंत मॉर्चर में शिफ्ट कराइए। यस सर। यही है, यही तो है। ध्रुव रुको, ध्रुव रुको। काम डाउन मिस्टर ध्रुव। अरे काहे का काम डाउन, पूछिए ना इससे क्यों किया ऐसा। वो तो खुद ही सदमे में है, कुछ बोल भी नहीं पा रही। गजब है, क्या गजब बात कर रहे हैं आप। पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, ऊपर से नाटक कर रही है और आप कह रहे हैं कि सदमे में है। अरे हमको तो मनसा के मनसा में पहले ही शक था, इसीलिए बाबूजी ने इसे इसके अंत संत कारनामों के कारण इसको घर से बाहर निकाला था और इसी के कारण इसने हमारे परिवार को बहुत के गांठ उतार दिया। अरे सुरेश तुम खड़े हो, तुम तो बताओ, तुम तो देखे थे ना। ठीक कह रहे हैं, इसने ही मारा था सबको और भाग गई थी। तुम पगला वगला गए हो क्या सुरेश, कुछ हो बोलोगे। अरे हम खुद मनसा को बस में बिठाए तो ये सब कैसे कर सकती है। ए मनसा तुम कुछ बोल कहे नहीं रही। अजीब मामला है, सुरेश कह रहा है कि वो यहां पर थी और करुणा कह रही है कि वो बस में थी। तुम दोनों ने एक ही लड़की को दो अलग अलग जगह पे देखा। एक ही लड़की दो अलग अलग जगह पे कैसे हो सकती है। खैर तुम संध्या जी को और ध्रुव को पुलिस स्टेशन लेके आओ आगे की पूछताछ के लिए। यस सर। और ये बॉडी तुरंत मॉर्चर में पहुंचवाइए। यस सर। लेके आओ बॉडी, ले चलो। हमारे बच्चे का आज जन्मदिन था और ये। संध्या संभालो अपने आप को। मनसा, खून में सनी हुई एक लड़की 7 लोगों की लाशों के साथ घटनास्थल पर पाई गई, जबकि उसी कॉलोनी के गार्ड सुरेश की पत्नी करुणा का कहना था कि जिस समय घटना हुई उस समय मनसा उसके साथ थी और उसने ही उसको बस में बिठाया था। फिर कैसे मुमकिन है मनसा का 7 लाशों के साथ मिलना? कैसे मुमकिन है कि एक लड़की एक ही समय दो दो जगह उपस्थित हो? हाँ, हाँ, मनसा की अम्मा है, बताइए ना, हमारी बिटिया कहां पर है, बताइए ना मनसा का। मनसा, ए मनसा, कौन है तुम? हम मनसा की माँ है, इसको छोड़ दीजिए, वैसा कुछ कर ही नहीं सकती। सबकी अम्मा यही कहती है। देखो देखो हम सच कह रहे हैं, हमारी मनसा ने ऐसा कुछ नहीं किया, सच कह रहे हैं। चलो चलो बहुत ड्रामा हो गया, ये सब कोर्ट में बोलना नहीं तो तुमको भी अंदर कर देंगे, समझी तुम? मनसा मनसा बेटा कुछ तो बोल, ये सब कैसे हुआ? एक तो तू 1 साल बाद बोली कि तू घर वापस आ रही है और तू आई नहीं। तो मैंने तुम्हारी करुणा दीदी को फोन किया, उसी ने ये सब कुछ बताया। बेटा मनसा तू घर से ना भागी होती ना आज हत्यारिन बनके यहां बैठी होती। बेटा बोल ना बेटा, ये सब क्यों कर रही है तू? मनसा माई है तुम्हारी, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। सर मनसा को तो बेइज्जत करके पहले ही पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसकी सच्चाई पिताजी के सामने आ चुकी थी। अच्छा और सच्चाई क्या थी? यही कि वो भगोड़ी है, उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उससे पहले भी क्राइम किया था,
हमको तो उस पे पहले से ही शक था। संध्या जी, आपको कभी शक हुआ मनसा पे, उसके काम काज चाल चलन पे? कभी क्या, हमको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब मनसा की है। पूरा घर वही संभालती थी। सर, इनको समझ में नहीं आता है, उसकी हरकत पहले से ठीक नहीं थी, इसीलिए तो पिताजी ने उसको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला था। चल, पता नहीं कहां कहां क्या क्या करके आई होगी और यहां बसने का ठिकाना ढूंढ रही है। निकल यहां से। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम गलत समझ रहे हैं? धर्मशाला नहीं है, निकल जा यहां से, निकल। ठीक नहीं होगा, हम बोल दे रहे हैं, सबको भुगतना पड़ेगा। अरे जा जा, तेरे से लाखों देखे हैं। लेकिन एक आदमी एक साथ दो अलग अलग जगह पे कैसे हो सकता है? क्या पता कौन झूठ बोल रहा है, सुरेश या फिर करुणा? हमको नहीं पता कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, और मनसा कैसे एक ही समय में दो दो जगह, मुझे नहीं पता। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं सर, वो ये कि करुणा हमेशा मनसा का ही साइड लेती रही है। कहां जा रही है? कहां जा रही है? आप सब मनसा की माँ है, मनसा ने ऐसा कुछ नहीं किया, फसाया गया है उसे। हम गरीब है ना, इसलिए सब लोग हम पर जुलुम करते हैं साहब, यकीन मानिए फंसाया गया है उसे। देखिए, जितना रोना धोना रो लीजिए, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। रंगे हाथों पकड़ी गई है आपकी बिटिया, आंखों देखा गवाह है, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, कुछ नहीं हो सकता है। सर, सच वही नहीं होता है जो दिखाई देता है। कोई भी क्रिमिनल ऐसे बिना वजह किसी को भी मारने लगेगा। अरे कुछ तो ऊपर नीचे सोचा होगा, कुछ अपना फायदा नुकसान देखा होगा। और जो इतना लोगों का मर्डर किया है, उसके पीछे सर कोई बड़ी वजह ही होगी, और वजह का पता लगाना इतना आसान काम नहीं है। देखिए मैडम, पुलिस केस स्टडी के आधार पर ही काम करती है। अरे सर, इस केस का तो अभी ठीक से जांच पड़ताल भी नहीं हुआ और आप ये सब कह रहे हैं। हमको जानना है कि हमारे परिवार का कातिल कौन है, और कौन हमारे बेटे को। हमारा मन नहीं मान रहा है कि ये सब मनसा की है। सर, आप सच का पता लगाइए। क्या बात कर रही है मैडम आप, पुलिस अपना काम कर तो रही है। देखिए सर, जो कुछ भी हुआ है बर्दाश्त से बाहर हुआ है, वो अंदर से बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरी बिटिया ने कुछ नहीं किया, मनसा ने कुछ नहीं किया। सर, आपको जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन हमको न्याय चाहिए सर। मेरी मनसा ने कुछ नहीं किया साहब, पापा पास आया गया है उसको, कुछ नहीं किया। आप चलिए हमारे साथ, हम आपका दर्द महसूस कर सकते हैं, हमने भी अपना बेटा खोया है। सर, मनसा की माँ और संध्या जो बोल रही है, फालतू का नाटक कर रहे हैं ये सब। केस एकदम क्लियर है, आई विटनेस है, मोटिव है, कल्पित है, बस इमोशनल ड्रामा बना रहे हैं लोग। इनके चक्कर में अपने भाई की शादी में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन दो दो मनसा का क्या? उससे भी जरूरी ये है कि हमारे पास आई विटनेस है, जिसने मौका वारदात पर उसे देखा है। और मनसा वो भी तो खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है ना। सोचो, बैठ जाइए भैया, एक बोतल पानी देना। आप लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। आप भी हमारी मदद इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप भी जानती है हमारी पिटिया ने ये सब नहीं किया। देखिए, हम नहीं जानते कि ये सब किसने किया है और किसने नहीं, पर हम जानना जरूर चाहते हैं। और आप भरोसा रखिए, इस बात का हम पता लगा कर रहेंगे। अब थोड़ा पानी पी लीजिए आप। मनसा एक साल पहले किसी के साथ भाग गई थी, मिली तो भी ऐसी हालत में, पता नहीं अपने आप को काहे बचाना नहीं चाहती। आप हमारे साथ चलिए, आइए। हे भगवान, बैठिए ना। ये यहां क्या कर रही है?
ध्रुव, ये बेचारी बहुत अकेली है, इनका पूरे शहर में कोई नहीं है, इसलिए मैं इनको। इन लोगों की वजह से मैंने अपना परिवार खोया है, तुमने अपना बेटा खोया है, पर मुझे तो लगता है कि तुम इनसे मिली हुई हो। निकल जाओ। ध्रुव, मैंने भी मेरा परिवार खोया है, मैंने भी मेरा बेटा खोया है ध्रुव, पर पता नहीं क्यों मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सब मनसा कर सकती है। अच्छा, पता नहीं क्यों जो सच है उसे तुम समझना नहीं चाहती। एक बात बताओ ध्रुव, एक अकेली लड़की इतनी ताकतवर हो गई कि उसने साथ साथ लोगों का खून कर दिया, क्या हम सबने उसको ये करते देखा है या किसी ने भी मनसा को ये करते हुए देखा है? तुम्हें याद है ध्रुव, हमारे बच्चे को बचाने के लिए मनसा एक बार अपनी जान से खेल गई थी, उसे आग में झुलसने से बचाया था, अब उसी बच्चे की जान ले लेगी वो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों करेगी मनसा ऐसे? क्योंकि तुम अंधी हो सकती हो, मैं अंधा नहीं हूं। अब निकली बाहर। तुम वो बाहर जो अपने परिवार के कातिलों को अपने घर में जगा दे। वो मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी बात, शट अप। और दोबारा अगर तुम यहाँ दिखी तो तुम दोनों के जान ले लूंगा मैं। निकलो यहाँ से। मेम साहब। मेम साहब? कोई मेम साहब नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाओ। आराम से आइए। अब तो ये पक्का है कि कुछ और बात भी है। अगर सुरेश और करुणा इतने क्लियर हैं कि मनसा दोनों जगह पे थी, तो ये कैसे हो सकता है? मैडम, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। देखा उन लोगों को? अगर हम उन लोगों को जानते तो वो लोग जेल के अंदर होते ना। आप लोग इनको प्रोटेक्शन दीजिए। देखिए मैडम, ये केस जो है ना निपट चुका है। आप लोग बार बार नया नया एंगल डाल के हम लोग को परेशान मत कीजिए। ये सब जो हुआ खाली संयोग मात्र है। हुआ इनके साथ है, देखिए हमें आप कह रहे हैं कि खाली संयोग मात्र है। कम से कम FIR तो लिखिए। अरे फिर वही बात, अब ये मीटिंग में जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। मैडम, कम से कम मनसा से तो मिलने दीजिए। जाइए मिल लीजिए। मनसा, 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 तुम सच में उस दिन रांची के बस में बैठी थी, फिर हमारे घर कैसे पहुंची चाकू लेकर? सच खाली तुम ही जानती हो। बाबूजी को तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में किसने बताया? क्या है तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड? बोल ना मनसा, फांसी लगने के बाद बोलेगी क्या? देखो मनसा, हमने अपना बेटा खोया है, ये तुम्हें खोने वाली है, और आज तुम इनको खो देती। तुमको कुछ पता है, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, अटैक हुआ है उनके ऊपर, और तुम हो के कुछ बोलती नहीं हो। दीदी, आप माई को राज्य वापस भेज दीजिए। आप भी ध्रुव साहब के साथ अच्छे से जिंदगी बसर करिए। पग चुए सब भूल जाइए। मनसा, ये सब क्या कह रही हो तुम? अरे अभी तक आप यहीं हैं, वार्निंग दे रहे हैं चले जाइए और दोबारा यहाँ नजर मत आइएगा, वरना ध्रुव प्रधान का फोन आया था, बोला है कि आप भी कातिलों का साथ दे रही हैं, आपको भी जेल में डाल दिया जाए। चले जाइए, निकलिए तुरंत। एक बात बताओ, तुम सच में इंस्पेक्टर को हमको गिरफ्तार करने के लिए बोले हो? अब मनसा और उसकी माँ के पीछे पीछे घूमोगी तो यही करेंगे ना। बिटिया, एक बात कहे, तुम अपने घर लौट जाओ, देखो माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मनसा को तो हम खोने ही वाले हैं,
तुम अपना घर बर्बाद मत करो बेटा। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो जिंदगी भर कातिल कौन था इसका पता नहीं लग पाएगा, और हमारी कमजोरी की वजह से किसी बेगुनाह को सजा हो जाएगी। लेकिन क्या करेंगे हम लोग? बोल। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे जहां से हमें मदद मिल सके। मैडम नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी माँ है, इनकी तबीयत खराब है, हमें रहने के लिए कमरा चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। क्या आपका बेड है? आप इसमें आराम कीजिए, है ना? आपको कुछ जरूरत होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहीं बाहर में हूँ। सब गड़बड़ हो गया। ध्रुव प्रधान के चलते इस केस का कोई कॉपी भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये नया केस। कौनो रास्ता ही नहीं दिख रहा है। मनसा भी तो कुछ नहीं बोल रही है। जो भी हो, मनसा के पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड का इस केस से कोई ना कोई जरूर रिश्ता है। ये पता करना पड़ेगा कि मनसा घर से भागी थी तो 6 महीने तक थी कहां, और फिर 6 महीने बाद उसको घर में खाना बनाने वाली के तौर पर किसने बुलाया? संध्या जी, हमारे सोर्स ने बताया कि आप लोग यहाँ हैं, और संध्या जी हमें माफ कीजिए, हम चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए। प्रोटोकॉल वगैरह सब आ जाते हैं बीच में। हम कन्विंस नहीं है, लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर ने इस केस को क्लोज कर दिया है, हाथ बंधे हैं। ये कुछ पेपर्स, मंशा के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। अब आप लोग भी कुछ दौड़ धूप करिए, जब तक कोई बड़ा क्लू नहीं मिल जाता। कुछ हो तो मुझे बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया, कहाँ लिखा है? मर्डर का टाइमिंग रात 11 बजे से 1 बजे के बीच का है। उस टाइम मनसा बस स्टॉप पर भी थी और कॉलोनी में भी। कैसे? सभी लोग मर्डर के पहले बेहोश थे, सेडेटिव्स इनके पेट से मिला है, और मनसा ने आधा खाना बनाया था, उसके बाद उसको निकाल दिया गया था। तो फिर खाने में सेडेटिव्स मिलाया किसने? मनसा का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताता है कि उसने रांची में एक आदमी सेवक दारा को जिंदा जलाया था और जमशेदपुर भाग गई थी। क्या उस घटना से जुड़े आदमी ने ये सब किया? आप एक काम करिए, आप यही हमारा इंतजार करिए, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है? हम आते हैं जल्दी।
ए भैया, रांची जाने वाली बस के कंडक्टर आ हाँ जी मैडम, हाँ जी रांची जाना, आइए बैठिए बैठिए। ये लड़की का नाम मनसा है, बस में बैठी थी लेकिन घर नहीं पहुंची है। कहा है ना मैडम कि बिना खर्चा पानी के हमको कुछ यादें नहीं आता है। ये लीजिए 500 रुपए, अब बताइए। देखिए देखिए जरा, हाँ बस में बैठी तो थी ये लड़की, लेकिन उसका चेहरा हम सही से नहीं देख पाए थे। कुछ तो देखा होगा आपने। वो कहा है ना कि करीब आधे घंटे के बाद उसके बगल वाला इस लड़की से कुछ कहा था। उसके बाद ये लड़की उस आदमी के साथ उतर गई। बस रोको। लेकिन उतरते टाइम हम इसका चेहरा देखे थे मैडम। यही थी ना? हाँ पक्का यही लड़की थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर मनसा आधे घंटे बाद भी उतरी तो भी 1:30 बजे से पहले वो वहां पे नहीं पहुंच सकती। पता करना पड़ेगा कि सुरेश ने जब मनसा को देखा तब टाइम क्या था, और जब मनसा को डेड बॉडी के पास देखा तब टाइम क्या था। माँ जी कहाँ चली गई? मैडम आपने मेरी माँ को देखा क्या? कमरे में नहीं है वो तो किसी आदमी के साथ चली गई। क्या? किसके साथ गई? उन्होंने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए उनके साथ चली गई। आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो घबराते हुए चली गई। सारी गलती मेरी, हमको उनको अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मनसा की माँ की जान खतरे में है, क्या करूं मैं? तो किडनैपिंग वाले केस का चार्जशीट फाइल हो गया? यस। हाँ तो उसे कोर्ट में जाके सबमिट करो फटाफट, ठीक है? हम आप लोगों को पहले ही बोले थे ना, लेकिन आप लोग हमारी बात नहीं माने। अब मनसा की माँ की जान खतरे में है। वो बस कंडक्टर भी कह रहा था कि मनसा बस में ही थी। क्या मैडम, मना किया था ना आपको, लेकिन मानी नहीं आप। अब लॉकअप में डालना ही पड़ेगा आपको। ले जाओ इनको लॉकअप में डालो। अरे ओ मैडम, ये क्या ड्रामा लगा के रखे? हम अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाकर कहते हैं, असली कातिल का पता लगा कर ही रहेंगे। कुछ भी हो, संध्या जी की मदद तो करनी ही पड़ेगी। चाचा। हाँ बेटा। सेवक धारा जो दुर्घटना में जल गए थे उनका घर कहाँ है? सेवक धारा, ये मंदिर के पीछे ही है उनका घर। इस मंदिर के पीछे चल जाइए। धन्यवाद। बाबू घर में कोई है? हाँ। बुलाओ। प्रणाम। प्रणाम। हम सेवक दारा की फुफेरी बहन रीता। अच्छा। इधर से जा रहे थे तो सोचे कि आपसे मिलते हुए चलते। अच्छा अच्छा की, और बताइए। वैसे जमशेदपुर में कौन लोग रहते हैं? हाँ, बाबा। अरे वो तो बच्चा है, जमशेदपुर में हमारी चचेरी बहन रहती हैं, मतलब हमारे भाई। मतलब सेवक दारा जिंदा है और शायद जमशेदपुर में। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ऐसे नाम क्या बताया आपने? नाम बताए? रीता बताया ना, रीता। कहाँ से आई हैं? अरे बताइए कहाँ से आई हैं? हाथ छोड़िए हमारा। नहीं बताइए कहाँ से आई हैं? अरे हाथ छोड़िए हमारा। आ, 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 आ,
करुणा ने कहा उसने मंशा को बस में देखा। कंडक्टर ने बोला सच है। तुमने मंशा को कब, कहां और किस हालत में देखा? अरे मैडम जी, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, देखा तभी तो कह रहे हैं। रात में स्ट्रीट लाइट में तुमने मंशा को पहचान लिया? अरे चेहरा छोड़िए मैडम जी, ड्रेस देख के पहचान लिए, सेम ड्रेस सेम दुपट्टा। और चेहरा? चेहरा नहीं देखा, चेहरा प्रधान जी के घर पे देखा था, लाशों के सामने। मनसा, प्रधान जी के घर पे? हाँ, पहले 11:30 बजे देखा, फिर ध्यान नहीं रहा, सुट्टा पीने और मोबाइल पे पिक्चर देखने पे बिजी हो गए, फिर दोबारा 2 बजे देखा, पीछा करते करते प्रधान जी के घर तक गया। उसके बाद तो आगे का पता ही है मैडम जी। 11:30 बजे फिर डायरेक्ट 2 बजे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ मैडम जी। अच्छा, मैंने भाटिया कॉलोनी से CCTV फुटेज मंगा लिया, आप जरा ठीक से देख कर बताइए। रुकिए रुकिए मैडम, थोड़ा बड़ा करेंगी का? ये देखिए मैडम, जब हम मनसा को बस अड्डे पे छोड़े थे तब वो जूती पहनी थी, और ये जो है ये चप्पल पहनी है। अब मामला धीरे धीरे समझ आ रहा है। हाँ संध्या जी, तुम तो अपनी पत्नी को ही मरवा देने वाले थे। आज हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। बिंदु, फोन है तुम्हारा। अपनी दीदी का फोन उठाकर उन्हें बताओगी नहीं कि जीजा जी जमशेदपुर में ठीक से हैं या नहीं? फोन उठाओ, बात करो। और नहीं तो यही बता दो, तुम मनशा का चेहरा ठीक से धर नहीं पाई, जूती पहनना भूल गई। रेणुका, तुम किसके ऑर्डर पे ये सब कर रही हो? सर, पहले सेवक दल और बिंदु को पकड़ लीजिए, फिर हम कायदे से बात करते हैं। बचाओ! कोई है? बचाओ मुझे! नाम सासू मां, हम हैं सेवक दारा। हम आपको मारेंगे। पूछिएगा नहीं, काहे मारेंगे? आपकी बेटी हमरे साथ ही भागी थी। बहुत अच्छा से बंद किए थे उसको हम, ताला लगाकर, लेकिन पता नहीं कैसे भाग गई, हमको जख्म देकर। बहुत शौक है ना तुमको, बहुत शौक है ना तुमको पुलिस के आगे अपना जुबान खोलने का? हम तुम्हारा करेंगे राम नाम सत्य। नहीं नहीं,
हम बताते? साहब हम बहुत गरीब लोग हैं, मेरे माँ बाप बहुत बुढ़े, ये सब मैंने उस सेवक दारा के कहने पे किया था। ये सेवक दारा कौन है, क्या पता बता सकती हूँ उसका? हाँ, वो हमारे ही गांव का है। साहब मेरी कोई गलती नहीं है। रेणुका तुरंत एक टीम लेकर निकलो। यस सर। वरना मैं शूट कर दूंगी। पकड़ लो इसे। तुम्हारा सारा खेल पता चल गया कानून को, अब तुम बच नहीं पाओगे। ले चलो इसे। बता क्यों किया ऐसा, क्यों पूरे परिवार को एक साथ मार डाला? लंबी कहानी है साहब, हम मनसा से बहुत प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, तो हम उसको बहला फुसला कर घर ले गए। हमारे बीवी बच्चों को देखकर भड़क गई, हमको बहुत गुस्सा आया साहब, हम उसको कमरे में बंद कर दिए ताला लगाकर। पता नहीं फिर कहां से निकल गई, पूरे घर में आग लगाकर हमारा चेहरा को दिखाने लायक नहीं छोड़ा पूरे शहर में। हमको इसका बदला लेना था साहब, तो पूरा शहर में खोजने लगे उसको, अपना पूरा आदमी को शहर गली मोहल्ला में लगा दिए। वो कहते हैं ना, खोजने से तो भगवान मिल जाते हैं, उसका क्या था, उसको तो मिलना ही था, मिल गई। जमशेदपुर में रहती थी नौकरानी बनकर, बिंदु को हम वहां नहीं रखवाए, वही रखवाई थी। फिर उसका काला चिट्ठा बिंदु से खुलवा दिए, उसको निकलवाए। फिर बिंदु के सहारे मैंने खाने में नींद का दवा मिलवाया। फिर उसी रात घर के अंदर गया, मैंने सबका कत्ल किया। फिर उसको बस से उतरवाकर प्रधान फैमिली में बुलवाए धमकी देकर। क्या धमकी दिया था? कि अगर प्रधान के घर पे हुए कत्ल का सारा इल्जाम उसने अपने माथे नहीं लिया तो उसकी मां को मार दूंगा। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो, अगर तुम अपने गांव गई तुम्हारे माँ को मैं मार दूंगा। सीधा प्रधान जी के घर जाओ और वहां जो कुछ भी हुआ है सब अपने सर पे ले लो। चलो उतर जाओ। गाड़ी रोको। अरे thank you.
अगर तुम अपने गांव गई तो मेरे माँ को मैं मार दूंगा। तुम्हारे माँ को मैं मार दूंगा। इसी बीच गार्ड ने मनसा को देख लिया और हमारा काम आसान हो गया। मनसा, लेकिन ससुरी बिंदु ने सारा खेल बिगाड़ दिया और सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई चाहे कितनी भी गहराई में दबी हो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। झूठ के पांव नहीं होते। ले जाओ इसे, लॉकअप में बंद करो। मनसा को ले आइए। वेरी गुड रेणुका, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। वाह संध्या जी, मान गए आपको। आपने एक बेगुनाह को सजा होने से बचा लिया। सैल्यूट है हमारा आपको। धन्यवाद सर। मेरे पास तुमसे माफी मांगने के लिए शब्द तो नहीं, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना संध्या। चलो घर चले। संध्या बिटिया, ध्रुव साहब ठीक कह रहे हैं, मान जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती। चलो घर चलो, चलो। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कभी तो हमें तोड़ देती हैं और कभी हमारे दिल पे गहरा जख्म छोड़ देती हैं। पर हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी ठेस से आहत होकर हम हैवानियत की राह ना पकड़ लें, हम क्रोध में इस कदर बदले की आग में न आ जाएं कि हमारा दिल लोहे का हो जाए। अपने दिल में इंसानियत बचाए रखिए, प्यार मोहब्बत बसाए रखिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ मौका।